तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कबी विडितम कर्म शापहम श्रवण मंगलम श्री मदाततम भूभि ये बुद्धिदा जनाः शमादि षठ संपत्ति के भीतर हम लोग समा के बाद उपरिति का बात कर रहे थे चिंता त्याग अथवा अनुष्ठानिक संन्यास ग्रहण एवं सन्यास का जो उच्च मर्यादा है सम विवेकानंद का जो नया दिशा है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं सन्यासी लिव्स फॉर अदर्स और उनके जीवन का एक महान व्रत है और उनको सेवा करते हुए आत्मचिंतन आत्मा का मुक्ति उपत्ति के उपरांत जो चतुर्थ साधन है वह है तितिक्षा छ साधन है क्षमा उपरति ऊपर अति समाधान एवं श्रद्धा तो चतुर्थ साधन है तितिक्षा तितिक्षा का जो संज्ञा दिया हुआ है शीतोष्ण आदि दंद सहिष्णुता ये है का मीनिंग टू इथ स्टैंड दियर्स ऑफ अपोजिट्स लाइक हीट एंड कोल्ड जगत में जो विभिन्न प्रकार का अवस्था स्वाभाविक है जैसे सर्दी गर्मी रहेगा शीत ग्रीष्म रहेगा तो शीत में अचंचल रहना यही है सहन करना तो क्यों बताया कारण हमारा जो मूल लक्ष्य है वह है चित्त को शांत रखना मन को शांत रखना जब भी ऐसी कुछ हलचल आ जाता है मन में तब मन अशांत हो जाता है सो कैपेसिटी टू एब्जॉर्व द शॉक्स ऑफ लाइफ ईज सहिष्णु था फोर बियरेंस जिसको कहलाता है अचल रहना हमें देखना पड़ेगा कि किसी अवस्था में मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए उसके लिए हमारी सहनशीलता होना चाहिए सही शक्ति होना चाहिए श्री रामकृष्ण इसलिए कहते थे वर्णमाला में तीन प्रकार का स है स सलवा शाह मधुन ठाकुर कहा करते थे सौ स स तीन प्रकार का स का तात्पर्य है जो सहता है वो रहता है जो नहीं चाहता है उसका विनाश हो जाता है एक छंद में ठाकुर ने बताया बंगला में जे शॉय से रॉय जे नाशॉय तर नाशय जो सहय स्य शक्ति जिसको है वो टिक जाता है ही रिमेन्स फिट फॉर हिज गोल और जिसका सही शक्ति नहीं है जो सहने के लिए तैयार नहीं है जो क्या होता है नाश है मतलब विनाश है वो ख़त्म हो जाता है विनाश हो जाता है हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वह है कि ईश्वर लाभ लक्ष्य तक पहुंचना, लोकस तक पहुंचने के लिए हमें मन को शांत रखना जरूरी है और एट एनी कॉस्ट जब मन शांत रहेगा तभी हम उस मन में भगवान को आराधना कर सकेंगे जो एनवायरनमेंट है परिवेश है परिवेश शुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन आवर माइंड जब परिवेश का जो ऊंचा नीच होता है उसमें अगर हमारा मन भी ऊंचा नीच हो जाता है तरंगाइत हो जाता है तब हम भगवान से विचुद्ध हो जाता है कोई भी परिस्थिति में अचंचल रहना शांत रहना वो तितीक्षा के लक्षण इसको कहना था ऑस्टेरिटी तो ये तो स्वाभाविक है कि नाना प्रकार का परिस्थिति होगा परिस्थिति अनुसार अगर हम मन का चंचल साम्य तक खो बैठे तो हम लक्ष्य हो गया इसीलिए बताया कि सहिष्णुता और या तिथिक्षा हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है तो जैसे सीमा शारदा देवी का जीवन में हम देखते हैं कि वो तितिक्षा के प्रतिमूर्ति थे कितने प्रकार का प्रतिकूल परिवेश वो सब कुछ सहन लेते थे विदाउट मार्मर देट वॉज इज मैसेज हर मैसेज कि शांत रहना स्वामी विवेकानंद के सन्यासी का गीति में कहते हैं सन्यासियों के लिए सॉन्ग ऑफ दिन वो कहते हैं स्ट्राइक ऑफ फेटर्स बॉन्ड दैट बाइंड दी डाउन ऑफ शाइनिंग गोल्ड और डार्कर बेसर और लाव हेट गुड बैड एंड ऑल द डूल स्रॉ नो स् इज स्व कैरेस्ट और व्हीप नॉट फ्री फॉर फेटर्स दो गोल्ड आर नॉट लेट स्ट्रांग टू बाइन दे नॉफ इ देम संन्यास इन बोल्ड से ओम तत्सम ये जो डुअल स्रॉन्ग है जो द्वंद्व है द्वंद्व के पारे चले जाओ जो कि ती दीक्षा का डेफिनेशन है दंद श्रेष्ठता जो कोई प्यार करे कोई अपमान करे उसमें अचंचल अच्छा रहना अच्छा बुरा कोई भी परिस्थिति में उसकी हमारे मन का जो शांति विघ्नित नहीं होना चाहिए शॉक एब्जॉर्विंग कैपेसिटी ऑफ द माइंड मन चंचल मन अचल रहे शरीर का भी दुख हो उसमें मन चंचल नहीं होना चाहिए मन का आनंद कभी बिघिनित नहीं होना चाहिए जैसे कि स्वामी सूर्यानंद जी कहते थे उनके शरीर के गंभीर खत था कार्बांकल का बहुत ही कठिन एक व्याधि लेकिन उससे जब कहा जाता था आप कैसे हैं कहते मैं ठीक हूँ आनंद में हूँ तो पूछा जाता था आपका शरीर में इतने व्याधि है भयानक आप कैसे बोल रहे हैं आप शांत हैं वो कहते दुख जाने शरीर जाने मंत्र मान देते थे ये जो सुख और दुख शीत और उष्ण ये सब वो शरीर का धर्म है मैं तो शरीर नहीं हूँ तो शरीर का जो धर्म है शरीर में जो कुछ छोरा रहा है या परिवेश में जो कुछ रहा है उसको साथ मन का विजुक्त करना संयुक्त नहीं रखना इसीलिए वो संगाब्दी सन्यासी में बताया ये जो हमारे बंधन है हमारे जो अपना स्वरूप वो स्वाधीन होना चाहिए मुक्त होना चाहिए फ्री फ्रॉम द एनवायरमेंटल बॉन्डेज कोई भी बंधन से वो उसको अगर बंद कर दे तब वो उसका स्वाभाविक जो स्थिति है वो खो बैठेगा सर्व बंधन मुक्त हो जाना चाहिए और जो हमें अच्छा लगता है बुरा लगता प्रिय अप्रिय हर्षमर्ष हर्ष शोक आत्मन का जो स्वभाव है वह है आनंद कोई भी एट एट एनी कॉस्ट वो आनंद को हम खो नहीं सकते हैं वी कैनोट अफोर्ड टू लूज दैट इक्वे एनिमिटी जो साम्य था जब मन का वो जो आनंद का स्वभाव है वो कभी खोने का हमारा वो कभी खोना नहीं चाहिए वो तो हमारे हाथ में है विल नॉट अलाउ आवर माइंड टू बी डिस्टर्ब बाई एनी एन्वायरमेंटल अप्स एंड डाउन्स हो सकता है ये है तिथीक्षा बड़ा एक साधन है जब हम वो साधन में हम सिद्ध हो जाते हैं तब कोई भी परिस्थिति परिस्थिति में हम अचंचल रहते हैं एंड दैट इज द जॉब ऑफ ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ही रिमेंस काम क्वाइट तभी वह काम कर पाएंगे अगर मन में वो चंचलता आ जाए कोई भी परिस्थिति में वो चंचल हो जाए तब वो सही सिद्धांत तो नहीं ले पाएंगे मन को हमारे एट एनी कॉस्ट वी कैन नॉट लूज मेंटल स्टेबिलिटी मेंटल कामनेस सर्वदा शांत समाहित चित्त होना चाहिए और उसके लिए जो परिस्थिति हमारे है अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति हो उसमें शांत रहने का जो सामर्थ्य सा, उसी को तितिक्षा कहलाता है तितिक्षा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है और न केवल ईश्वर प्राप्ति जीवन में सफल होने के लिए तिक्षा अत्यंत जरूरी है जब हमारा मानसिक जो साम्यता वो बने रहते हैं तब हम कुछ भी कर सकते हैं मानसिक स्थिरता मानसिक सम्यता कभी नहीं खोना चाहिए एट एनी कॉस्ट और उसको परिस्थिति के ऊर्द में जाके मन को स्थिर करके रखना ही तितिक्षा है इस विषय को अगले दिन हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु आज रविवार का अवसर है सुबह से शाम तक जप यज्ञ चल रहा है आप लोग अपना अपना निर्धारित समय पर भगवान का नाम लेते रहेंगे और ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में अंश लेते हुए मन को शांत एवं स्थिर करेंगे फिर साढ़े दस बजे के बाद ऑफ श्री रामकृष्ण अंग्रेजी में वचन हमने का प्रवचन मेरा एवं दोपहर को साढ़े चार बजे से युवाओं के लिए भारतीय व्याख्यान एवं व्यक्तित्व के विकास के सत्र है एवं निर्देशित ध्यान एवं रात्रि में उपरांत श्याम नाम संकीर्तन आप लोग अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार